हमारे पास एक हैंडसेट है जो कि सैमसंग का M30S हैंडसेट है। आईसी के साइड के ग्लू को क्लीन करेंगे सबसे पहले, और अब 1.6 भी हो गया तो परसेंटेज भी यहाँ पे शो हो गया, तो हैंडसेट हमारा जो है वो पूरी तरह से वर्किंग हो गया है अच्छे से। एके इन्फो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ हैं एक नई केस स्टडी के साथ। अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक हैंडसेट है जो कि सैमसंग का M30S हैंडसेट है, और इस हैंडसेट में जब हम इसके ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हैंडसेट ऑन नहीं होता है। प्लस दूसरा कंडीशन ये है कि जब हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो यहाँ पे हमें चार्जिंग का लोगो मिलता है, और इसके अंदर जो चार्जिंग की कंजम्पशन होती है वो होती है 0.6 एम्पेयर की। इसका मतलब ये होता है कि इस हैंडसेट के अंदर जो सीपीयू के ऊपर का जो एसडी रैम है वो ड्राई हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको कि किस तरह से सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करते रहेंगे। सबसे पहले हैंडसेट को डिसअसेंबल करना है। थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इसका फिंगरप्रिंट सेंसर रहता है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर वैसे भी रिमूव हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है इजीली। अब हमें क्या करना है, हैंडसेट के जो स्क्रू हैं उनको डिसअसेंबल कर लेना है। कोशिश करिए कि कैमरे के लेंस पे आप क्या फिंगरप्रिंट ना लगे। हैंडसेट को हमने डिसअसेंबल कर लिया है, और इसके बाद फिर आगे का वर्क चालू करते हैं। इसको ध्यान से संभाल के रखिए क्योंकि ये आपका थर्मल पैड है। यहाँ पे माइक्रोन की एसडी रैम आपको दिख रही है सीपीयू के साथ, हम यहीं पे वर्क करेंगे सीपीयू पे। सबसे पहले शील्डिंग को कट करेंगे। शील्डिंग को हमने कट कर दिया है। मदरबोर्ड को पीसीबी होल्डर पर फिक्स करते हैं। आईसी के साइड के ग्लू को क्लीन करेंगे सबसे पहले। एसएमडी का टेम्परेचर 200।
जितना भी ग्लू है वो हमने क्लीन कर दिया। अब हमें एसडी रैम को बाहर निकालना है, लेकिन एसडी रैम को बाहर निकालने से पहले ये दो कंपोनेंट्स हम लोग क्या करेंगे, साइड में लगा देंगे शील्डिंग के ऊपर। एसडी रैम को रिमूव करेंगे। एसडी रैम रिमूव हो गया हमारा। अब हम सबसे पहले ऊपर का जो शोल्डर है, शोल्डर को क्लीन करेंगे। यहाँ पे थोड़ा शोल्डर जो है उसको क्लीन कर लेंगे अच्छे से। इतना शोल्डर था वो क्लीन कर लिए। अब ऊपर की तरफ का जो हमारा ग्लू है इसको क्लीन कर देंगे। टेम्परेचर 200। अब हम सीपीयू को बाहर निकालेंगे। सीपीयू जो है वो बाहर निकल गया हमारा।
हैंडसेट को टेस्ट कर लेते हैं एक बार मदरबोर्ड को कि हमने इसका सीपीयू और एसडी रैम जो है वो लगा दिया है। अब हम हैंडसेट को टेस्ट करते हैं। देखिए 0.6 एम्पीयर की कंजम्पशन आ गई है और अब 1.6 भी हो गया, तो परसेंटेज भी यहाँ पे शो हो गया है। इसी तरह से हमारा हैंडसेट जो है वो पूरी तरह से वर्किंग हो गया। चलिए एक बार हैंडसेट को ऑन करके भी चेक कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से आपका हैंडसेट जो है वो विद डेटा रिकवर हो चुका है। विद डेटा जो है वो हमारा हैंडसेट जो है वो रिकवर हो चुका है, अब पूरी तरह से वर्किंग है। बाकी पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड हमें नहीं पता है क्योंकि कस्टमर ने हमें पासवर्ड नहीं दिया। तो हैंडसेट हमारा जो है वो पूरी तरह से वर्किंग हो गया है अच्छे से। इसी तरह की नई नई वीडियो के लिए AK इन्फो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।